एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कल यानी कि एक्सपायरी के सेशन में 20 जुलाई को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले। लास्ट पे दो स्टॉक भी बताऊंगा और एक का रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और ठीक से समझ लीजिए। कल एक्सपायरी होगा तो कल एक अच्छा खासा दिन हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉशियसली प्लान करेंगे। ओके, पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। डेली कैंडल अगर हम थोड़ा सा देखेंगे पॉजिटिव है, कोई भी अभी भी नेगेटिविटी का उस तरह से शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूअसली देखेंगे 12 जुलाई से जो रन में चल रहा है, ये एक भी कैंडल लास्ट कैंडल के लो को नहीं तोड़ पा रहा है सक्सेसफुली। तो लो को तोड़ेगा मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि आपको अगर अभी काम करना है, टॉप पे सेल करके चलिए, बॉटम में बाई करके चलिए। क्योंकि मार्केट पे अभी मार्केट के पास अभी उतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि टॉप तोड़ के ये एकदम लंबा रैली करे, लेकिन अब उतना वीक भी नहीं हुआ है कि लो को तोड़ दे। तो वो एक धीरे 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 ऊपर वाला रेंज में कैरी ऑन होता रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब चलिए थोड़ा सा वन आवर का चार्ट पे देखते हैं। वन आवर का चार्ट में मुझे बहुत अच्छा चीज दिख रहा है। यहाँ पे मैं सारे चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले ये सारी चीज हटा देते हैं, ये बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये सारी चीज हटा देते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं। ओके, वन आवर का चार्ट पे यहाँ पे एक परफेक्टली बहुत एक सुंदर सा रेंज मुझे दिख रहा है, जो कि कल के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए बहुत एक मदद करेगा। कल बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है आपको, आप लोगों को ये वाले रेंज के हिसाब से। 15 मिनट पे जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये रेंज के हिसाब से अब निफ्टी क्या कर सकता है, फिर से अपर रेंज के आसपास जाके लोअर रेंज तक आ सकता है। नंबर वन पॉसिबिलिटीज, नंबर टू पॉसिबिलिटीज अपर रेंज में जाके मिडिल तक आके फिर रुक के फिर निकल जाए, और नंबर थ्री पॉसिबिलिटीज अपर रेंज के सामने रुकने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करते, तीन पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे सेलिंग का मौका मिलेगा तो आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग लोअर रेंज तक ही वेट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप लोगों का 1:5 ये सारे रेंज के आसपास हो जाएगा तो आप यहाँ पे निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दो पॉसिबिलिटीज आपके तरफ रहेगा, या तो मार्केट आधा आ जाए या तो मार्केट पूरा आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाले जोन के आसपास जाके एक बार सेलिंग करेंगे, क्योंकि बाइंग के लिए भी इसको अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद तोड़ेगा तो एक रेंज ब्रेकआउट का हम प्रोजेक्शन अपर साइड में कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार, एक्सक्यूज मी, अब चलिए एक बार 15 मिनट का चार्ट पे देख लेते हैं। ओके, आज हमारा प्लान क्या था, आज हमारा प्लान था ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, या फिर मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि अगर मैं रेंज को हटा देता हूं तो आपको दिखेगा, मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे कैंडल क्लोज करेगा हम वहां पे एक बार ट्रेड लेंगे। देखिए ये वाला कैंडल तो क्लोज किया, लेकिन आपको चीजों को भी समझना पड़ेगा। ये वाला कैंडल क्लोज किया सब ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त कहां से आया है, निफ्टी लगभग 100 पॉइंट कवर करता हुआ आके क्लोज कर रहा है। अब निफ्टी 100 पॉइंट कवर कर देना, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे और 100 पॉइंट गिर जाए, मार्केट में तो फॉल नहीं आया ना ड्रास्टिकल। यही चीज यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर करता तो हमारे पास जगह होता ना कि यहाँ से 100 पॉइंट चलो और नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है। तो ये सारे चीजों को समझ लेना आपको होगा, तो आपको मतलब कोई भी सेटअप, देखिए ये हम प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, प्राइस का एक्शन है, प्राइस का बिहेवियर है। तो प्राइस का बिहेवियर हर एक दिन हर अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। किसी को यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, लगेगा ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाएगा। वही चीज किसी को यहाँ से रिवर्सल दिखेगा कि यहाँ से लंबा इतना दूर मार्केट आया, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट घूमेगा। तो प्राइस का बिहेवियर आपके ऊपर होगा, आप कैसे उसको देखते। तो हम ट्राई करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स के हिसाब से प्राइस को एक बार देखने के लिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिएगा, जब आप इंस्टीट्यूट्स के लेवल्स पे ट्रेड करेंगे ना, तो आपका ट्रेड बहुत बार फिल नहीं होगा, मतलब बहुत बार आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं जिस जगह पे बाई या सेल करने के लिए, उस जगह पे प्राइस आया ही नहीं, बहुत बार ऐसा होगा। तो इसमें अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि एंट्री हार्ड है ढूंढना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल अब रेंज का वहां पे रेंज पे ट्रेडिंग करेंगे। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, वी विल वेट ये रेंज के आसपास, ये डायनामिक है तो अपने चार्ट पे एक बार लगा लीजिए, ये रेंज के आसपास जाके एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल बन जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल कैसे बन जाएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग आ गया, एक शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे एक बेयरिश हरामी बन गया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया। तो जैसे ही एक टाइप का एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगा, एक शूटिंग स्टार हो गया या फिर एक बेयरिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है, या फिर एक बेयरिश हरामी हो गया, और उसके नीचे जैसे निकल जाएगा, उसके नीचे जैसे निकल जाएगा हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे, जो हाई बनाएगा उसका एसएल दे देंगे, और टारगेट कहीं ना कहीं पहला टारगेट आप 1:2 का रख सकते हैं, या फिर टेक्निकल जो जोन आता है यहां तक रख सकते हैं रेंज के आधा तक, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी होगा, एक बड़ा टारगेट आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपन होके, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम अपर रेंज के सामने एक 5 मिनट का चार्ट देख के, एक 5 मिनट का कैंडल देख के सेल करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी हटा देते। ओके,
अब अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होकर ये नीचे आता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो कुछ करने लायक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये कैंडल जो है ना, आपको लग रहा होगा क्या ये इंस्टीट्यूट वाला कैंडल है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देखिए सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का इंस्टीट्यूट कैंडल्स मतलब ऐसा नहीं है कि एक बड़ा वाला कैंडल आ गया तो वही इंस्टीट्यूट कैंडल है, नहीं, कैंडल का पॉइंट भी मैटर करता है। 80 पॉइंट का एक कैंडल निफ्टी में, ठीक है, लगभग 60 पॉइंट का एक कैंडल निफ्टी में, वी कैन से कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। साथ में वॉल्यूम को भी देखेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे अलग से दिखना पड़ता है। एनीवे तो ये सारे कैंडल इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं है, ये कितने पॉइंट्स का है, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट 30 पॉइंट का 30 पॉइंट का कैंडल से, तो यहाँ पे मुझे उस तरह का कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको इंस्टीट्यूट कैंडल पकड़ेंगे नहीं। तो इनकेस मार्केट अगर नीचे आता है फ्लैट ओपन होके, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे एक रिटेस्ट करने वाला जगह है, इसके ऊपर जाकर क्लोज दिया है, तो आप यहाँ पे इधर चीज कर सकते हैं, या तो मार्केट अगर ये वाले जोन के आसपास आएगा तो आप एक बार बाई कर सकते हैं, या फिर आप रिटेस्ट के आसपास एक बार बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जोन पे एक बार बाई कर सकते हैं, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो ये वाला जोन एक बाइंग हो जाएगा, एसएल थोड़ा सा आके नीचे आके आज का डे हाई का टारगेट हो जाएगा, सिंपल ट्रेड है, ठीक है। तो इसका कोई लेवल नहीं निकल के आ रहा है, तो आप लोग एक बार चार्ट पे लगा लीजिए 15 मिनट का चार्ट पे, ये वाला जोन मैं एक बार बता देता हूँ, लगभग 19,780 ये वाला जोन के आसपास एक बार मार्केट आएगा, आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखेगा, तो आप एक बार बाई कर सकते हैं, 19,750 का एसएल देंगे और कहीं ना कहीं 19,850 का आपका टारगेट हो जाएगा। ये होगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो इनकेस गैप डाउन ओपन होकर नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है तो भी यही लेवल पे मैं काम करता हूँ ना, मैं प्रॉपरली दे ही दे देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। एक सेकेंड, इसको हम बाई जोन दे देते, चलिए ओके, इसको मैं लिख भी देता हूँ, चलिए लिख भी देता हूँ, 19,800 से लेके 775, ठीक है। चलिए और क्या कर दूँ आप बताइए, अब मैं सब कुछ दे रहा हूँ, बस आएगा तो ट्रेड कीजिए, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। एनीवे 19,800 से 19,775 के लेवल पे आएगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, एक कैंडल बनाएगा ग्रीन, हम बाई करेंगे, डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन खुलने के बाद एक कैंडल ग्रीन बनाएगा, इस तरह का कुछ भी कैंडल, डोजी हो, हैमर हो, मारुबुज हो, हम वहाँ पे बाई करेंगे, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन ना होके फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो ये रेंज के आसपास सेल, नीचे यहाँ पे बाई। अब मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है डायरेक्टली ये रेंज के ऊपर, ये रेंज के ऊपर, तो गैप अप ओपन हो जाएगा ना, तो दो सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, गैप अप ओपन होगा तो दो ही चीज होगा, या तो बड़ा करेक्शन आएगा या फिर बड़ा रैली आ जाएगा। अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाता है कि मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रेशर में प्रॉफिट बुक आया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर तोड़ रहा है, तो बड़ा करेक्शन आएगा, जैसे डेलो को फिर से तोड़ेगा बड़ा करेक्शन आ जाएगा। और इनकेस अगर ये सिनेरियो ना बनाता हुआ मार्केट में करेक्शन आया, आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो जैसे डे हाई को तोड़ेगा एक बड़ा रैली आएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मतलब आपको ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा कि मार्केट गैप अप खुला, खुलते ही डायरेक्ट ऊपर चला गया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। हो सकता है गैप अप खुलेगा, साइडवेज रहेगा, तब डे लो को तोड़ेगा तो सेल, डे हाई को तोड़ेगा तो बाई, सिंपल सा है, वहां पे एक बड़ा फॉल या बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं अगर थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी को देखने की कोशिश करूं तो निफ्टी एसजीएक्स कहां पे, एक सेकंड, गिफ्ट निफ्टी के नाम से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक सेकंड, निफ्टी एसजीएक्स ना यहां पे नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरी जगह पे एक बार देख लेता हूं, एसजीएक्स निफ्टी अभी कहां पे चल रहा है, लगभग चल रहा है, आप बोल सकते 105 पॉइंट गैप अप, आप सोचिए हर एक दिन गैप अप, गॉड, 105 पॉइंट गैप अप अभी भी एसजीएक्स दिख रहा है, तो अगर 105 पॉइंट गैप अप हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस रेंज के ऊपर ही खुलेगा, तो आप याद रखिएगा, इनकेस अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रुकने के बाद अगर डे लो को तोड़ता है तो वहां पे बड़ा सेलिंग के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, और अगर एक रेंज बनाने के बाद फिर से अपर रेंज को तोड़ रहा है तो एक बाइंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम बात कर लेते हैं, देखेंगे बैंक निफ्टी में हम आज सारा दिन बैठे रहे, कोई ट्रेड सेटअप मुझे नहीं मिला, हम ये लेवल पे सेल करने के बारे में बैठे रहे, आया नहीं प्राइस, हम बैठे रहे, कुछ नहीं कर सकते। अब कल के लिए बैंक निफ्टी का सेम टू सेम प्लान है, एक दिन ना आने से पूरा प्लान बदल नहीं जाता। कल हमें ये लेवल के आसपास मिलेगा, फ्लैट ओपन हो के ऊपर मिले, एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल पे हम सेल करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन ना हो के गैप अप ओपन हो जाए और ये जोन के आसपास मिले, एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल के नीचे हम सेल करेंगे।
अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर जाता है यहाँ पे, तो एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल पे हम सेल करेंगे। ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल जोन होगा। अच्छा, एसएल कहाँ पे होगा? ऑल टाइम हाई के पास एसएल जाएगा, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे हम सेलिंग को देखेंगे? नहीं, अगर एक कैंडल कोई भी आपको 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल दिखा नहीं और मार्केट इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली रेंज बना रहा है या प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम सेल नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, मल्टीपल जगह पे सपोर्ट खड़ा हुआ है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? नीचे आने देंगे, इसको जो करना है करने देंगे। हमें एक फॉलो थ्रू चाहिए। फॉलो थ्रू मतलब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फॉलो थ्रू आया, बड़ा सेलिंग आया, लेकिन उसके बाद से फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, तो फॉलो थ्रू चाहिए, मतलब एक प्राइस एक्शन चाहिए। नीचे आने के बाद एक फॉलो थ्रू मिल जाएगा, जैसे नेकलाइन को तोड़ेगा या फिर सेकंड फॉलो थ्रू में आप और कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा ये सारे जोन के आसपास, एक 15 मिनट का कैंडल में हैमर बन जाएगा, उसके ऊपर जैसे निकलेगा बाय कीजिए। सिंपल सा है, कुछ कल ज्यादा हम करेंगे नहीं। इनकेस अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लगभग 1:30 बजे के आसपास मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहूंगा। कोई हीरो जीरो मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। कुछ समझ नहीं आता है, एक्सपायरी कहीं ना कहीं आपको मौका जरूर देगा, तो डोंट पैनिक और डोंट बी एग्रेसिवली, मतलब हाइपर एक्टिव मत रहिए कि कभी करना ही है करना ही है, ठीक है। ये वीक बहुत मुश्किल वीक था, तो कल एक्सपायरी है, पॉसिबल हो सकता है कल बहुत भयंकर एक्सपायरी हो जाए, तो हम ट्रेंडिंग के लिए तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अब मार्केट है, एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी कर सकता है, तो इसलिए हम बहुत सारे परम्यूनेशन कॉम्बिनेशन को मिला के ट्रेड करेंगे, लेकिन एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे। इनकेस आपको सेटअप नहीं मिल रहा है, फॉरगेट इट, यू डोंट हैव टू ट्रेड, ओके। अच्छा, थोड़ा सा एक बार स्टॉक देख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था रैमको सिस्टम्स, दिक्कत यही हुआ रैमको में, हमारा एंट्री प्राइस एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला दिन, नेक्स्ट 2 दिन यहाँ पे रेड बन सकता है, लेकिन एक दिन रेड बना, नेक्स्ट दिन चला गया, तो ये वॉयड हो गया, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। ये जगह पे जी एंटरटेनमेंट अभी भी एक्टिवेशन पे जगह पे ही है, 2 दिन अच्छा खासा गिरा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक और दिन थोड़ा सा नीचे आ दे, उसके बाद हम यहाँ पे एक बार बाई कर सकते हैं। तो एक और दिन अगर जी एंटरटेनमेंट में रेड कैंडल आ गया, तो उसके बाद वाले दिन आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जी एंटरटेनमेंट अभी भी इंटैक्ट है, और ये सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो खुद का रिसर्च पर छोटा सा कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो स्टॉक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है वो है वेल्सपन इंडिया, बहुत अच्छी जगह पे। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वॉल्यूम्स आर मतलब बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के बाद 1, 2, 3 इस तरह का कैंडल थोड़ा बहुत नेगेटिव आना। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है, जो लोग एग्रेसिव प्लेयर्स है वो जैसे वेल्सपन को आपको ये सारे जोन के आसपास मिले आप लोग बाई कर सकते हैं, और जो लोग बैलेंस और डिफेंसिव प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, जैसे लास्ट दिन का हाई को तोड़ेगा आप वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे सेलर्स उस तरह से एग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और रिटेल्स कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे भी तो वॉल्यूम जाने के बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे सेलिंग क्यों आया, यहाँ पे सेलिंग क्यों आया? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे सेलिंग्स नहीं है, ये सारे सेलिंग नहीं है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो कहीं ना कहीं आप अगर वेल्सपन को लेके बैठे भी रहेंगे तो आपको बड़ा सेलिंग का प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, और ये 3rd टाइम हुआ है। ये पहली बार अगर होता तो शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता, शायद मैं उस तरह से देखता नहीं। 2nd बार हुआ मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, 3rd बार हुआ मैं फुल्ली इंटरेस्टेड हूँ, मेरा एसएल जाएगा यहाँ का, ये सारे जोन का एसएल होगा, हम यहाँ पे बाई करेंगे। अगर एसएल जाएगा तो 4th बार आएगा वी विल बी मच मोर इंटरेस्टेड, शायद मैं तब पहले बार स्पाइक पे ही ले लूँ। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेल्सपन इंडिया को आप एक बार वॉच लिस्ट पे रखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जुड़ जाइए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टॉक्स के वीडियोस से कुछ हेल्प मिलता है कि नहीं, आप लोग स्टॉक्स पे पकड़ते हैं या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पे ही फोकस करूँ। टेक केयर एंड बाय बाय, कल एक्सपायरी है, ध्यान से।